बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम ज़ीशान अनवर है। मैं कुल लास्ट आप ये कह लें कि 23 ईयर से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। इस फील्ड में मैं काम करता हूँ, इसको हेयरिंग एम्पेयरमेंट की फील्ड बोलते हैं। मेरा अपना एक इदारा है जिसका के नाम हेयरिंग रिहैब सेंटर है। हेयरिंग रिहैब सेंटर जो है वो 2008 में हम लोगों ने इसका स्टार्ट लिया था। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से लाहौर से भी है, और कुछ हम लोगों की कंपनीज़ की ट्रेनिंग होती है एज अ हेयरिंग एड कंसल्टेंट के तौर के ऊपर। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन सीमेंस की तरफ से है, और एज अ हेयरिंग एड कंसल्टेंट के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ लाहौर के अंदर क्वीन रोड के ऊपर 2008 से। हम लोग यहाँ पे हेयरिंग टेस्ट वगैरह, हेयरिंग एड फिटिंग, हेयरिंग एड रिपेयर, हेयरिंग एड की फैब्रिकेशन और ईयर मोल्ड की फैब्रिकेशन का काम करते हैं। और जैसे मैंने आगे बताया कि 1998 से मैं इस फील्ड में हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पॉजिटिवली काम किया जा सके करें। हमारे यहाँ के जो टेस्ट की फैसिलिटी है वो उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक जो है वो डॉक्टरों के नज़रिए के मुताबिक मानी जा सकती हैं। और हमारे हेयरिंग एड दुनिया के मॉडर्न तरीन हेयरिंग एड्स के अंदर शुमार होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे लोगों को एडवाइस करते हैं। यूजुअली जी हमारे मुल्क में लोग जो होते हैं वो इस जो हेयरिंग इम्पेयर्ड जो सोमाटिक कमज़ोरी होती है इसको को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। बेसिक जो वजह ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग इस बीमारी को सीरियस लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं ना, वो 70% लोग जो है ना वो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फील नहीं होता कि उनके अंदर कोई समाती कमज़ोरी है। एक बेसिक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है लोगों का, वो हेयरिंग हेड लगाना पसंद नहीं करते। जिस तरह आई साइड में जो है वो लोग ग्लासेस को जो है वो इतना प्रेफरेंस नहीं देते, या जिस तरह यूजुअली किसी पर्सन को अगर कोई शुगर की या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये चाहता है कि या वो लोग ये चाह रहे होते हैं जिन लोगों को इस किस्म की डिज़ीज़ होती है कि वन टाइम कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट करवा लिया जाए ताकि उसका सलूशन जो है वो लाइफ टाइम हो जाए। लेकिन कुछ बीमारियाँ या कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जिनकी के आपको जो है वो लाइफ के साथ साथ जो है वो कुछ मेडिसिन या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ एड्स वगैरह जो हैं वो फॉरेन बॉडीज़ वगैरह जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं। इसमें ये भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट या समाती कमज़ोरी भी एक ऐसी ही जो है वो डिज़ीज़ कह लें, बीमारी कह लें, कमज़ोरी कह लें हैं। जिस तरह के ग्लासेस हैं कि ग्लासेस आप वियर करेंगे तो आपको जो है आपके विजन के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो उसमें क्लैरिटी मिलेगी। सेम इसी तरह जब आप हेयरिंग एड यूज़ करेंगे तो जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट आपके अंदर है, जो एक सुनने की या बात को समझने की जो आपको दुश्वारी पेश आती है, वो जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बेसिक रीज़न तो यही है कि ज़्यादातर जो है वो हम लोग ऊंचा बोलते हैं। सेकेंडली हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है और हमने इसका कोई ना कोई सोल्यूशन लेना है। जहाँ तक इसके बारे में ये कि इससे बचा किस तरह जाए, इसमें ज़्यादातर ये जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है इसके आने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेजर वजूहात को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक वजह कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी वजह कि आपकी ख़ानदानी तौर के ऊपर आपके जेनेटिकल प्रॉब्लम्स या इनहेरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट के होने के चांसेस होते हैं। तीसरी वजह
कि आपके नज़ला ज़ुकाम या गला का ख़राब हो जाने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब बहुत ज़्यादा रहता है, या सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर जिनको रेशे की प्रॉब्लम नाक कान गले के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उनमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। समटाइम कुछ हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है जो कि टेम्प्रेरी तौर के ऊपर आती है, और समटाइम कुछ हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है जो कि परमानेंट तौर के ऊपर आती है। इसका आगे चल के हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक और वजह जो हम लोग मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान जो है वो जब बहुत ज़्यादा एक हिली एरिया के अंदर या पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैवल करता है तब भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट आने के चांसेस होते हैं। आप बाई एयर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें तो उस वक्त भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट आने के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके करीब कोई ब्लास्ट हो जाए जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। इनसे अब बचा किस तरह जा सकता है? जहाँ तक मैंने पहली बात कही कि ये बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनने की वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें आप कोशिश करें, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या हैंडफ्री वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ ना करें, जिसकी वजह से जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से बचा जा सकता है। दूसरी जो वजह मैंने बताई कि ख़ानदानी तौर के ऊपर या इनहेरिटली तौर के ऊपर, तो कोशिश करें कि अगर आपके ख़ानदान के अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है किसी भी एज ग्रुप से रिलेटेड, तो कोशिश की जाए कि उसमें जो है वो कज़न मैरिज से थोड़ा सा बचा जाए या अवॉइड किया जाए। तीसरी आई थिंक जो मैंने वजह बताई थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि आपका नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब या रेशे का पैदा हो जाना बहुत हद तक और यूजुअली रहना, उसमें हम लोग जो है वो अपने किसी अच्छे ENT से जो नाक कान गले के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके तो मेडिसिन लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, और हम लोग कोशिश करें कि ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ रखें। जब मौसम चेंज हो रहा हो तो अपने आप को मौसम के मुताबिक जो है वो ड्रिंक्स वगैरह का लेने से, जैसे कि जैसे ही सर्दी आती है तो कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड करना चाहिए, जिन भी चीज़ों से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उन चीज़ों से बचना चाहिए। और एक आध वजह मैंने और आपको बताई थी कि हिली एरिया के अंदर ट्रैवल करना, यूजुअली बाद लोगों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उस सूरत में पहाड़ी इलाके में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, और अगर आपको फिर भी शौक़ है तो कोशिश करें कि जब आप पहाड़ी इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने जॉ की मूवमेंट को मुसलसल जारी रखें। मुसलसल जारी रखने से मुराद ये है कि आपको च्युइंगम वगैरह लेके उसको चू करना शुरू कर दें, च्युइंगम वगैरह को, या आप जब हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लैंडिंग के वक्त या जो है वो जब हवाई जहाज़ उड़ रहा होता है उस वक्त आप चू का जो है वो च्युइंगम का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपकी जो है वो समात के ऊपर या आपके कान के पर्दे के ऊपर जो है वो एक प्रेशर डेवलप होता है, वो प्रेशर डेवलप ना हो जिसकी वजह से जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। कोशिश करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर पैदा हो रहा हो वहाँ पे मुसलसल जॉब, अगर आप ऐसी किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हैं और आपकी मजबूरी है जॉब करना उस जगह के ऊपर, या बाय प्रोफेशन आपकी ऐसा है कि आपने उस जगह पे जॉब करनी है, तो उसमें आप वहाँ पे जो है वो ईयर प्लग्स ईयर मफ्स वगैरह यूज़ करें, जिस हद तक अपने कान को उस शोर से बचा के रखना चाहते हैं बचा के रखें। ये बेसिकली कुछ मेजर वजूहात थी जिससे मैं ये चाहता था कि आपको मैं इनके बारे में बताऊं, और मैंने इसकी कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स भी आपसे शेयर की। और भी बहुत सी वजूहात हैं, इन फ्यूचर हम लोग उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।